2 से 3 दिन के अंदर में इंशाल्लाह। दो तीन दिन बाद यस अपने पाकिस्तानी दोस्त हैं यहाँ पर। हाँ जी, तो भाई ने कहा था कि हमारा व्लॉग बनाओ कि नहीं, मैं बोला मुश्किल नहीं है, शारा भी अभी काफ़ी बंद है यार, तो इसके साथ साथ हम भी निकलेंगे। अगर मंडी में जाना है मैंने, और तुझे आज किधर चले हो? हामून, माशाल्लाह जी हामून पर जा रहे हैं, एंजॉय करने के लिए। आज जुमा है ना इसलिए। सही है, बढ़िया यार। अच्छा शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दमाम। आज मैं और मेरी साइकिल जा रहे हैं अपने रूम से, थोड़ी दूर जा रहे हैं, पहला सफ़र है हमारा समझें सब्ज़ी मंडी का। आज हम पहला सफ़र जो अपनी साइकिल के ऊपर जाने करने वाले हैं, थोड़ा दूर करने वाले हैं, जो कि सब्ज़ी मंडी में जा रहा हूँ मैं इस वक्त। इतना दूर भी नहीं है और इतना नज़दीक भी नहीं है, तो मैं भाई फुटपाथ के ऊपर साइकिल चला रहा हूँ, क्योंकि भाई जान प्रदेश है, रोड बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पर, और गाड़ियों का रश भी आप देख सकते हैं, कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर, तो इस वजह से हमें ये सब कुछ देख कर के सारे काम करने पड़ते हैं। तो खैर चलते हैं आगे आगे, मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट में सब्ज़ी मंडी पहुँचूँगा। तो पहले पुलाव तो खा के आ चुके हैं जी अपने रूम के साथ होटल में, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप पहुँचेंगे मंडी में और आपके साथ वीडियो मंडी से शेयर करते हैं, हमारे साथ साथ रहेगा। और देखे कपियाँ कितनी लग रही हैं, देखिए माशाल्लाह क्या बात है जी। रुकिए ज़रा, मैं वो रास्ते इस्तेमाल करूँगा जहाँ पर रश ना हो, लोकल छोटे छोटे घरों के सामने जो रोड होते हैं देख सकते हैं, वो मैं इस्तेमाल करके भाईजान मंडी पहुंच रहा हूं। मैं कभी मतलब मेन बड़ा रोड इस्तेमाल नहीं करूंगा जिसके ऊपर स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं, तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं, नहीं मैं कभी वो इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो जिस तरह के मुझे पता है पाकिस्तानी, तो वो शार्ट रास्ते इस्तेमाल करना, तो मैं पहले पाकिस्तान में भी ऐसा करता रहता था, शहर गुजरा वाला अगर शॉर्टकट करना होता तो बड़े मैं इस्तेमाल करता था ड्रामेबाजियाँ ऐसे। तो यहाँ पर भी मैं अब साइकिल ले लिए, पहले मेरे पास स्कूटरी होती थी कभी, तो वो भी मैं ऐसे ही शॉर्टकट रास्ते इस्तेमाल किया करता था, तो अब साइकिल है तो अब साइकिल पर भी ऐसे ही शॉर्टकट रास्ते, शॉपिंग मॉल वगैरह वगैरह हर आज जहाँ पर भी जाना होगा तो साइकिल पर घूमेंगे। अब आ चुका हूँ मंडी, तो चलते हैं और मंडी आपको दिखाते हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं मंडी में। वेलकम टू सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी मंडी तो नहीं इसको कहा जा सकता, क्योंकि दमाम की सबसे बड़ी मंडी नहीं है सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी, तमर मंडी, गोश्त मंडी, यानी सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी मंडी जो है रियाज है सब्ज़ी मंडी, और दमाम की शहर में सबसे बड़ी ये दमाम शहर की मंडी है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं हमारी ये वीडियो, और यहाँ पर सबसे पहले मैं आया हूँ, जो कि गंडे प्याज जहाँ पर जो उतरते हैं ना प्याज, वो देख रहे हैं जो कि मुख्तलिफ कंट्री से यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इस वक्त आगे चल के देखेंगे और बहुत कुछ हम इंशाल्लाह जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह 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 माशाल्लाह। तो यहाँ पर पिछला टाइम है, अभी सामान उतारा जा रहा है, सुबह के लिए रेडी होता है, सुबह सुबह काम ज़्यादा होता है, तो मुझे रास्ता चाहिए यहाँ से ऊपर जाने के लिए। मुझे पता नहीं रास्ता कहाँ से मिलेगा, अपनी तो छोटी सी साइकिल है भाईजान। अबे यार फ्रूट तो उस तरफ है, फ्रूट तो उस तरफ देखने को मिलेगा, चलते हैं फ्रूट वाली तरफ। ये रहे जी अपनी साइकिल, ताला लगा दिया है, मंडी पहुंच चुके हैं, साइकिल मंडी में खड़ी कर दी है। ये वो साइकिल है जनाब मोहतरम, आज तो ना तो मेरा 1 रुपये का 1 रियाल का खर्चा हुआ, साइकिल चला के आए, ना पेट्रोल ना कुछ रियाल दिया, सुकून से मज़े से अब सब्ज़ी मंडी पहुँच चुके हैं, ताला लगा दिया साइकिल को, तो अब हम देखेंगे सब्ज़ी मंडी थोड़ी घूमेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो फिर उसके बाद चलेंगे वापस अपने रूम में। आज की वीडियो में बहुत कुछ आपको दिखाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रूट भी दिखाएंगे, सब्ज़ी भी, और भी बहुत कुछ इंशाल्लाह दिखाएंगे। और माशाल्लाह देखिएगा, एक चीज़ आपने नोट करनी है कि माशाल्लाह सब्ज़ी मंडी है कोई जिस तरह का, मैंने तो चलो यार एक मंडी देखी हुई शहर गुजरांवाला की जो बाहर मंडी है बड़ी बड़ी, तो उस तरीके कितना गंद कितनी सफाई, वो आज की इस वीडियो के अंदर आपने कंपेयर करना है। माशाल्लाह देखे बहुत साफ़ सुथरी और बहुत बड़ी मंडी है, ये दमाम की सबसे बड़ी मंडी है। चलिए ज़रा आपको विज़िट कराते हैं, सबसे पहले चलते हैं सब्जियों वाले की तरफ। माशाल्लाह देख सकते हैं यहाँ पर ताज़ा सब्जी है, क्या बात है माशाल्लाह ज़बरदस्त। कैसा है दिशी भाई, बढ़िया? देखिए देख ये कद्दू, इसको क्या बोलते हैं अरबी में, क्या गिरा गरा कल मर जाल, माफ़ी मालूम आना माफ़ी मालूम। देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पर ताज़ा हर चीज़ फ्रेश, ये अजीब वाइट प्याज,
माशाल्लाह। उसके बाद आगे आगे देखे जी माशाल्लाह, यहाँ पर खीरे हैं जी, यहाँ पर होलसेल है माशाल्लाह, काफ़ी सस्ता सामान मिलता है यहाँ से, पूरे तमाम शहर में दुकानों वाले लेकर जाते हैं, जो आज की इस मंडी में हम मौजूद हैं यहाँ पर। देखो तकरीबन 3-3, 4-4 रियाल, 5-5 रियाल में इससे ज़्यादा नहीं है, सस्ता ही हो सकता है यहाँ पर, जो कि देख सकते हैं ताज़ा ये बैंगन है, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो वशिफ, ये देखिए ये जो भिंडियाँ हैं जी ताज़ा, इस सब्ज़ी का मुझे नाम नहीं पता, नहीं अमेरिकी कद्दू कहते हैं ये क्या कहते हैं मुझे नहीं। उसके बाद जी तोरियाँ, कद्दू माशाल्लाह, बताऊँ छोटे छोटे भिंडियाँ थोड़ी बड़ी हैं, अरे ये मर्चियाँ तो बड़ी तेज हैं यार, इनसे तोबा करो। और ये भी बताऊँ लम्बे हैं शायद, और ये देख करेले, उसके बाद देसी खीरे, जाओ जी क्या बात है माशाल्लाह, मंडी आए तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, मर्चें जी। उसके बाद ये वाला धनिया है जी, और ये वाला कस्बरा, एक कस्बरा कहा जाता है, एक बगदूनस कहा जाता है इसको, देखिए माशाल्लाह ताज़ा फ्रेश सब्जियाँ, यहाँ पर नाना भी मौजूद है जी, ये देखिए माशाल्लाह, देखिए कितने साफ सुथरे ज़बरदस्त पैकिंग करके। क्या फ़िलहाल मैंने ला वल्ला कलाम जाते आना पाकिस्तानी यमनी थे शायद। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी पैकिंग में ये सब्जियां लगाई हुई, देखें जी देखिए क्या बात है जी, ये भिंडियों के पैकेट बनाए गए हैं, सब्जियों के यहाँ पर पैकेट बना के रखे हुए हैं, आगे देखिए कितनी प्यारी ज़बरदस्त पैकिंग है जी यहाँ पर माशाल्लाह, लेमन गाजर कम वाह माशाल्लाह, यानी श्रीण बे यानी आती ना खसम खमस्ताशर तमनताशर रियाल यानी माशाल्लाह। इस शस्म दी बर्कली शुक्रान दा तुम यमनी सा माशाल्लाह। चले आगे चलते हैं दोस्तों, दिखाते हैं मजीद आपको और कुछ। यहाँ पर देखें गोभी ताज़ी माशाल्लाह फ्रेश माशाल्लाह, बहुत रश है, देखें जी तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम है और फिर भी माशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी रश है। यहाँ पर देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त क्या बात है, ये शिमला मिर्च अहमर है जी रेड कलर की। उसके बाद भिंडियाँ देखें कितनी साफ़ सुथरी ज़बरदस्त, अच्छी पैकिंग के अंदर देखें ज़बरदस्त। आगे चलते हैं माशाल्लाह, यहाँ पर फ्रूट भी मौजूद है जी, मैंगो है जी और बनाना है जी। उसके बाद ये ककड़ी जिसको बोलते हैं, इधर शमाम बोलते हैं अरबी में, ये है जापानी फल माशाल्लाह, जापानी फल क्या बात है जी, माल्टा माशाल्लाह, यहाँ पर काफ़ी ये सारे फ्रूट ही लगे हुए हैं माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त बढ़िया। और सेब, अनार, ये जी अंगूर माशाल्लाह ज़बरदस्त बढ़िया। आगे चलते हैं, ये शायद जुमला में नहीं देखते होंगे, बेचते होंगे ये बेचते हैं, मतलब एक तो होता है यार थोक के हिसाब से, ये परचून के हिसाब से बेचते होंगे, ये देखो माशाल्लाह नाना है जी, इसकी खुशबू लेते हैं एक बार माशाल्लाह ज़बरदस्त बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। यार ये देखे क्या है देशी, बसल हिंदी माशाल्लाह। यार ये देखे इतना छोटा छोटा बसल इंडिया का, देखे ये देखें पाकिस्तान की बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं यहाँ पर आती हैं, और ये देखें बसल हिंदी है, तो ये क्या है पता है आपको, ये लगता है मुझे लगता है लसूड़े हैं पता नहीं, बाकी कच्चे केले। उसके बाद ये है जी भाईजान अदरक, यार सऊदी में रह रहा है तो मुझे अपने पाकिस्तानी चीज़ों के नाम भूल गए। ये खीरे हैं या पता नहीं शायद क्या चीज़ है, मुझे सच में इन चीज़ों के इतने नहीं खास चीज़ों के, देखें यार मुझे इंटरनेशनल मंडियों में मौजूद है ना सऊदी अरबिया के अंदर, तो माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें वो देखने को मिल रही हैं जो ना मैंने आज तक कभी खाई हैं और ना ही कभी मैंने आज तक देखी, जो कि माशाल्लाह यहाँ पर देखी चकंदर है शायद, मुझे नहीं सच में पता क्या माशाल्लाह इतनी बड़ी मंडी में मौजूद हूँ। यार मुझे एक तो डर है कि मैं अपनी साइकिल ना भूल जाऊँ जिसके ऊपर आया हूँ, क्योंकि मैं आज पहली बार इतनी बड़ी मंडी में यहाँ पर मौजूद हूँ, तो मुझे पता नहीं होगा कौन से सेक्शन के साथ साथ मैंने अपनी साइकिल खड़ी की है, वैसे मैं भूलूंगा इतनी जल्दी नहीं, लेकिन खैर शकरकंदी देखे जी माशाल्लाह कितने आश्रा रियाल माशाल्लाह, शकरकंदी 10 रियाल किलो है जी। टमाटर देखे माशाल्लाह फ्रेश ताज़े क्या बात है। उसके बाद चलिए इधर आके देखते हैं मज़ीद और कुछ, ये खसखस, इसको खसखस बोला जाता है। मंडी के अंदर इस तरीके पैकेट बनाए गए हैं जी, ये हो सकता है शायद परचून में बेचते हैं,
ये देखिए भिंडियाँ छोटी छोटी हैं लेकिन ज़बरदस्त की फ्रेश चीज़ें हैं, सब सब की सब फ्रेश हैं यहाँ पर। यहाँ से हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो हमें बहुत ही सस्ती मिलेगी, अगर मैं शहर से जाकर लेता हूँ दूसरी जगह से तो काफ़ी मुझे महंगी मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर देखें माशाल्लाह तो हर चीज़ तो मुझे देखने को मिल रही है ताज़ी। हाथ लगाऊँ गिरे ना जाए, मतलब मेरा नाम लेके जाए। यहाँ पर देखें माशाल्लाह महंगे हुए माशाल्लाह, तो माशाल्लाह देखिए एक एक पैकेट के अंदर डाली गई है जी एक एक गोभी का फूल। ये बंद गोभी है शायद, ये भी देखें शॉपर के अंदर पैकिंग की हुई है माशाल्लाह। यहाँ पर देखें ताज़ा फ्रेश टमाटर हैं, क्या बात है ज़बरदस्त। इसके बाद मिर्चों का भी, ये मिर्चें इतनी कड़वी नहीं हैं जितनी ये वाली कड़वी हैं, बहुत कड़वी मिर्चें हैं यार ये वाली। उसके बाद ये देखें जी क्या है जी माशाल्लाह, क्या बात है जी क्या बात है, छलियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है ज़बरदस्त। थूम है जी वाइट माशाल्लाह, ये वाले का थूम देखें लाल है और ये वाला वाइट है। और आपको खजूरें दिखाता चलूँ, यहाँ पर देखें लाल है खजूर, मीठी खजूर है ये मीठी ज़बरदस्त। लेमन देखें छोटे छोटे पैकिंग की हुई है, हर चीज़ माशाल्लाह साफ़ सुथरी है यहाँ पर और पैकिंग के अंदर मौजूद है। ये देखें किसी भी शॉप पर जाएंगे किसी भी जगह पर जाएंगे माशाल्लाह हमें साफ़ सुथरी हर चीज़ देखने को मिलेगी। ये देखें माशाल्लाह क्या बात है, ये देखिए यार क्या बात है। मैं देखता हूँ यहाँ पर, ये दिखाना चाहता हूँ मैं आपको छलियाँ माशाल्लाह, देखिए छलियाँ बड़ी बड़ी छलियाँ और फुल दानों के साथ भरी हुई है यहाँ पर। चलिए ज़रा देखते हैं अंगूर, ये वाले रेड कलर में हैं और यहाँ पर देखें वाइट कलर में हैं, और यहाँ पर नाशपाती है इस चीज़ का मालूम नहीं है, यहाँ पर सेब हैं छोटे छोटे। यार एक की कीमत ना पूछ के देख लेते हैं, चलो यार एक कीमत पूछते हैं। सलाम अलैकुम, क्या हाल है भाई, कितने का? 10 रियाल। कितना किलो होगा? 1.5 किलो। 10 रियाल का जी, 1.5 किलो है जी, 1.5 किलो इसका वजन है, 10 रियाल का कहा जा रहा है जी। ये वाले मीठे माल्टे हैं, मीठे ज़बरदस्त। और माशाल्लाह यहाँ पर देखिए कितने साफ सुथरे और ज़बरदस्त अच्छी पैकिंग में हर फ्रूट यहाँ पर मौजूद है। ये पाकिस्तानी मैंगो है, पाकिस्तानी मैंगो यहाँ पर सऊदी अरबिया की सब्ज़ी मंडी के अंदर मौजूद है माशाल्लाह। चलिए इधर आगे देखते हैं, अनार फ्रेश ताज़ा। उसके बाद छलियाँ देखें जी माशाल्लाह, देखिए यहाँ पर माशाल्लाह जी क्या बात है जी, उस ज़बरदस्त और अच्छी पैकिंग के साथ यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। अभी यार वहाँ चलते हैं जहाँ पर सिर्फ फ्रूट ही फ्रूट हो बस, तो चलो वहाँ से कुछ सस्ती चीज़ें देखते हैं और वहाँ से थोड़ा खा पी लेते हैं। मंडी चलो आए हैं, कुछ याद ही सही, क्या बात है माशाल्लाह ज़बरदस्त। मैं इस वक्त फ्रूट है यहाँ पर, ये सब्ज़ी गंडे प्याज है यहाँ पर, ये पता नहीं शायद वो सामने वाले जो है ना वो सेक्शन, वो शेड जिस तरह बने होते हैं ना हमारे पाकिस्तान के अंदर मंडियों के, इसी तरीके यहाँ पर भी शेड बने हुए हैं पेरे भाई, तो सामने है हाँ फ्रूट वाली साबता, वहाँ पर फ्रूट शूट बहुत सारा है बेचा जा रहा है, और यहाँ पर भी भाई जान फ्रूट ही है सारा। और यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ है और वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ लेता है तो एक दो चीज़ किलो के हिसाब से बिल्कुल नहीं मिलेगी, यहाँ से मिलेगी थोक के हिसाब से, थोक के हिसाब से बिल्कुल। देखें अगर कोई भी चीज़ लेनी होगी तो कार्टून के हिसाब से मिलेगी, देखें यहाँ पर कोई भी चीज़ आप लेते हैं यहाँ पर कार्टून के हिसाब से मिलेगी। यहाँ पर हैं जी केले हैं जी कच्चे वाले। तो दोस्तों अगर मैं घूमता रहूँगा यहाँ तक शाम तक भी तो मुझे ये मतलब मंडी ख़त्म नहीं होगी, इतनी बड़ी माशाल्लाह ये दमाम शहर की मंडी है जी। यहाँ पर हैं जी अनार माशाल्लाह, और इसके बाद मैंगो, यहाँ से कोई भी चीज़ लूँगा तो मिलेगी थोक के हिसाब से, और पूरे मतलब जो कार्टून होगा वो ही मिलेगी, और मुझे वैसे कुछ मतलब नहीं मिलेगी। ये क्या है जी, थाईलैंड ही है जी,
उसके बाद जी यहाँ पर नाशपाती है जी, ये सेब माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे वाले सेब भाई। अखरोट, अखरोट कितने का होगा देखते हैं, इधर बंदा ही नहीं मौजूद है, देखना क्या है इधर। यहाँ पर लीची है जी, लीची माशाल्लाह ज़बरदस्त। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ है जी। शिशमादा साहब भी अरे ग्रेपफ्रूट है, ग्रेपफ्रूट ग्रेपफ्रूट आए वाह है ना, ग्रेपफ्रूट आधा मालूम आधा जापानी फल पाकिस्तानी आधा मन में यदा सूरी सॉरी आए वाह, ये यहाँ नेम काका काका अरे फ्रूट काका। अच्छा जी ये क्या है, मीठा है ये क्या साहब, बहुत शुक्र है एकदम मीठा शुक्र। अच्छा ये सूर्या का जी माशाल्लाह यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, और बहुत मीठा कहा जा रहा है, हमारे देशी पे बता रहे हैं रोमन यमनी बिग साइड, यानी ये तो आंखें बंद करके भी ले लेंगे तो ये मीठा है बस, ये तो पक्की बात है, यमनी बहुत मीठा अनार होता है माशाल्लाह, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो यमनी है ये तो माशाल्लाह। उसके बाद ये कार्टून कितने किलो और कितने का मिलेगा, 5 किलो का 25 रुपये, यानी 5 रुपये किलो। जरा यार बहुत अच्छे ज़बरदस्त सेब हैं, बहुत ही आला क्वालिटी के सेब हैं यार दोस्तों, लेबनानी लेबनान का है। उसके बाद ये वाला देख, ये मैंगो मसरी है, ये क्या पोमोलो क्या है, मतलब फ्रूट है चाइना, चाइना का ही ये लेबनानी का है, ये क्या है सेम सेम पोमोलो पोमोलो फेटलाम लेमू ग्रीन मोज शम्मा शम्मा। ये कितने किलो आया था और कितने का मिलेगा, ये नुस किलो है, कितने का, 15 रियाल का, यानी किलो 30 रियाल का जो कहा जा रहा है, क्या बात है ज़बरदस्त माशाल्लाह बढ़िया, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, नई नई चीज़ें माशाल्लाह। यहाँ पर देखते हैं और सेब देखिए यहाँ पर, ओ माशाल्लाह ज़बरदस्त यार कमाल दोस्तों, इतनी बड़ी मंडी है ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह, ये सारा माल्टा सेब है, और यहाँ पर है जी सारे मतलब प्याज माशाल्लाह। ये सुबह का टाइम मंडी खुलेगी, इसके टाइम तो अभी सामान उतर रहा है गाड़ियों से, उतारा जा रहा है, ये देखिए इतनी बड़ी माशाल्लाह मंडी है और सामान अभी उतारा जा रहा है, ये अभी आ रहे हैं शायद, पिछला टाइम जैसे जैसे हो रहा है मंडी में सामान आ रहा है। यहाँ पर देखिए और इस तरफ भी देख सकते हैं, ये भी सामने प्याज है, इधर भी प्याज है, यमन से बहुत ज़्यादा प्याज आता है यहाँ पर भैया। और उसके बाद यहाँ पर फ्रूट वाला भी ये सिस्टम है, और ये सब्ज़ी वाला यानी को जो सूखा यानी प्याज जो होता है ना वो वाला सिस्टम भी है। आगे चलते हैं मज़ीद आपके साथ और भी बहुत कुछ शेयर करता हूँ। ये सारे का सारा अदरक है माशाल्लाह दोस्तों, ये वाला टोटल अदरक है, अदरक बहुत महंगा है यार सऊदी अरब में भी। और ये वाला है जी 2.5 किलो का पैकेट बना हुआ है जी, ये है जी थूम, वाइट थूम है, सारा का सारा थूम है यहाँ पर, देखिए अदरक और थूम है यहाँ पर। और उसके बाद चला आता है जी आलू, आलू देख लें यहाँ पर, ये भी भाईजान थूम ही है, आलू बड़े कीस छोटे कीस, वो बड़ा कीस है ये छोटा कीस है। और सामने देख कितना मतलब प्याज प्याज और थूम यहाँ पर लगा हुआ है, वाइट आलू है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, प्याज एकदम सूखा वाला देखें ज़बरदस्त सेवन कमाल। ये देखें हर पैकिंग के अंदर मौजूद है, ये बड़ा पैकिंग छोटी पैकिंग हर पैकिंग में यहाँ पर आपको आलू प्याज थूम हर चीज़ मिल सकती है। ये देखें प्याज बेहतरीन है, साफ़ सुथरा, कोई भी दाना इनमें ख़राब नहीं निकलेगा यार, बस ये सऊदी अरब में अच्छी बात है कि जो भी चीज़ आप लेते हैं आपको ख़राब अलहदा होगी और साफ़ सुथरी आपको चीज़ जो मिलेगी वो अलहदा होगी। किस कितने बड़े बड़े हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर छोटा दाना देखना चाहते हैं प्याज का तो ये देखें छोटे छोटे प्याज, मतलब इतने छोटे भी नहीं हैं लेकिन सही हैं ज़बरदस्त हैं। अगर ये देखा जाए ना एकदम दरमियाने साइज़ के बड़े हों या छोटे हों, मतलब एकदम एक साइज़ के ही आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर देखिए। और इससे बड़ा प्याज देखना चाहते हैं तो ये देखिए ज़रा, ये वाला नहीं ये वाले की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वाइट प्याज है वो वाला, और ये भी है छोटा वाला है, क्या ये लाल आलू है या वाइट आलू है,
यार मुख्तलिफ मुल्कों के आलू हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के हैं, मुख्तलिफ हिसाब था भाई। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह प्याज ही प्याज हैं और है भी सस्ता माशाल्लाह, पाकिस्तान से तो सस्ता ही मिलता है यार यहाँ पर। ये देखिए कितना प्याज थूम। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आपके साथ और भी कुछ शेयर करते हैं। ये थी हमारी वीडियो आज की मंडी से। यहाँ देखें अभी सामान उतारा जा रहा है यहाँ पर, ये देखें गाड़ियाँ लग चुकी हैं, अब सामान भी उतारा जा रहा है। तो हम चलते हैं उधर फ्रूट वाली साइड पर, मेरे ख्याल में उस तरफ फ्रूट उतारा जा रहा है। तो यहाँ पर ये देखें ताज़े खीरे, खीरे बहुत सस्ते हैं यार यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। चलिए आपको और भी कुछ दिखाते हैं यहाँ पर सब्जी मंडी में। ये है जी लेमन, इतने बड़े बड़े। देखिए टमाटर माशाल्लाह, इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए जी पैकिंग दा पाँच पाँच दस दस किलो में कीस बनाए हुए हैं और यहाँ पर रखे हुए हैं यहाँ पर माशाल्लाह। ये दुकानदार निकलवा रहे हैं यहाँ पर टमाटर, देखें माशाल्लाह यहाँ पर सब्जियाँ गाजरें, क्या बात है। यहाँ पर फ्रूट है, किस तरीके लगा रखा है जबरदस्त अच्छे तरीके से। माशाल्लाह ये छलियाँ हैं, क्या बात है माशाल्लाह। टमाटर साफ सुथरे लाल और छलियाँ जबरदस्त। चलिए आगे जरा देखते हैं। जो दुकानदारों के लिए सौदे निकाले जा रहा है ना, वो सेम वो चीज़ है जनाब मुख्तार यहाँ पर। चलिए जरा आगे आगे दिखाते हैं हम आपको, टमाटर है टमाटर यहाँ पर देखिए माशाल्लाह, लाल सुर्ख रेड कलर, बिल्कुल रेड कलर टमाटर है टमाटर माशाल्लाह माशाल्लाह। भिंडियाँ देखें, चलिए आगे देखते हैं। रश देखें माशाल्लाह मंडी में यार, बहुत रश है यार मंडी में, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हर तरफ, क्योंकि आज वैसे भी जुमा है माशाल्लाह। देखिए कितनी साफ सुथरे ज़बरदस्त अच्छे तरीके से पैकिंग बना कर लगा कर रखी हुई है यहाँ। चलिए इधर आगे देखते हैं चल के माशाल्लाह, क्या बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है यार ज़बरदस्त बढ़िया यार। शम्मा और चीज़ें सस्ती हैं, सब सस्ती। वैसे बताते चलूँ यार दिहाड़ी बहुत छोटी लगती है सऊदी अरेबिया के अंदर रहते हुए ना, दिन बड़ी स्पीड से बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होते जाते हैं, पता नहीं क्या वजह है, बहुत स्पीड है दिन गुजरने की यहाँ पर, पता ही नहीं चलता दिन कब शुरू होता है और कब ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर टमाटर देखें माशाल्लाह, क्या बात है ज़बरदस्त माशाल्लाह। कितने लाल सुर्ख टमाटर हैं, बहुत अच्छी पैकिंग, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे तरीके के साथ था बनाई हुई है माशाल्लाह, पैकेट जो बनाए हुए हैं इन्होंने। माल्टे ने चेक करके देख लें देशी भाई, माल्टा कितने रुपये किलो है, माल्टा कितने 15 रुपये किलो। यमनी बहुत महंगे हैं यार, बड़े महंगे हैं ये तो माल्टे, मैं तो सोचा ये बहुत मीठे हैं शायद इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन सच में ये बहुत महंगे हैं यार। चले दोस्तों एक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू व्लॉग में, आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी सब्ज़ी मंडी के अंदर, तो हम चलते हैं वापस दमाम शहर में। अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मज़ीद सब्ज़ी में दमाम शहर से वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।